जल हीर जीवन है रे बाया अलख जगावा में आया। जल हीर जीवन है रे बाया अलख जगावा में आया। वन ही सोना है रे बाया अलख जगावा में आया। वन ही सोना है रे बाया इसे बचाना ना भूलना। अरे गाँव गावरा बाया रे सुन लो, गाँव गावरा बाया रे सुन लो। ये जो जंगल बाप दादा ने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, मेरे घर में पापा मम्मी बहने ये सब कोयले बेचते थे। हमारे जो भी सरकारी कोई कर्मचारी आ जाता या पुलिस वाला आ जाता या कोई दूसरे लोग अगर पैंट पहन करके ऐसे कोई आ जाते थे, उस समय हमारे गांव से लोग देख करके भाग जाते थे जंगल में। कॉमन का मतलब गांव की सामूहिक संपत्ति, तो ऐसी संपत्ति जिसमें पूरे गाँव वालों का अधिकार है। गाँव का तालाब है जिसमें पूरे गाँव वालों का अधिकार है। गाँव में चरागाह है तो उसमें घास काटने का, लकड़ी लाने का गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार है जितने संपन्न व्यक्ति को। सेवा मंदिर की सोच है कि लोग अपने गांव में ग्राम स्वराज हासिल कर सके, और उसके लिए सेवा मंदिर गांव के लोगों को तैयार करता है ताकि वो एक जाजम पे बैठ के अपने सारे मुद्दों पे बात करें और धीरे धीरे अपने विकास की जिम्मेदारी खुद ले सके। सब बेटी ना अबे आगे कई निर्णय ला करने कनी तरम करा। जाजम का कायदा साहब ये है, चाहे आदिवासी हो चाहे राजपूत हो रेबारी हो कोई भी हो, सभी एक ही जाजम पे। अगर महिला अलग बैठेगी अपन अलग बैठेंगे तो फिर अपना काम वो नहीं होगा, तो फिर हमने एक ही जाजम पर बैठना शुरू किया। ज्यादातर सेवा मंदिर कोशिश करती है कि सामूहिक जमीन पे काम करें। व्यक्तिगत काम करते हैं तो एक दो परिवारों को, पांच परिवारों को फायदा होता है, पर सामूहिकता में पूरे गांव को फायदा होता है। 150 हेक्टर पे हमने काम कर लिया तो एक बड़े लेवल पे जमीन पे काम हुआ तो उससे पानी काफ़ी हमारे एरिया में रुक गया। सामुदायिक वन अधिकार तो 2006 में आया है, उससे पहले हमने सन 1985 से इस जंगल के प्रति हमने पूरा संघर्ष किया है। अभी हमारे को 1100 हेक्टर का सामुदायिक वन अधिकार मिल चुका है हमारे गांव को। पास पड़ोस के लोग जो कब्जा करके बैठ जाते हैं तो हमने उसको उनको हमने नहीं करने दिया, उसको रोक दिया। इस सत्याग्रह में सर हमने मीटिंग की बार बार, फिर यू करें अपने बाँस से अपने ख़राब हो जाएंगे अपने यू करें तो लोग नहीं आते, वो भी आए सर आए, तो इसमें हमारा महिला का पूरा रोल रहा। और फिर हमने तय किया जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम जाएंगे काटेंगे बाँस को। परंपरा से हम प्रकृति की पूजा करने वाले हैं तो हम भगवान की हमेशा पूजा करते आए हैं और विश्वास करते आए हैं। जहाँ पे हमने केसर का छिड़काव कर दिया वहाँ उस क्षेत्र में हमारे सभी देवी देवता बचे हुए हैं। बचपन साल की यात्रा में हम यहाँ तक तो पहुँच गए। इतने लोगों ने इस बात को समझ लिया कि उनको उनकी ज़मीनों को बचाना क्यों ज़रूरी है। साथ में आज की ज़रूरत ये है कि इसे पूरे देश में कैसे फैलाया जाए ताकि एक कॉमन समझ बने कि इन जंगलों को किस तरह से बचाया जाए। सेवा मंदिर अब उसके लिए पूरा तैयार है और उसमें मदद करने के लिए आगे आ सकता है।